बहुत तेज बारिश हो रही है और हम जा रहे हैं घर पे। नहीं ना यार, थपड़ा मारवाना सारा मुझे ठग रहा है। आवाज आ रही है? नूर देख के मेरी अखियां जो मंजूर उड़ गए। ओके सो हो गया ये ट्यून। ओके सो हाय एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज का ब्लॉग बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो चुका था, मेरे एग्जाम्स लगे हुए थे और मेरे दोस्तों के भी एग्जाम्स लगे हुए थे, तो हम ब्लॉग नहीं कर पाया और मुझे कुछ ना कुछ तो डालने हैं वरना चैनल की रीच कम हो जाएगी, जैसा कि तुम सबको पता है। सो हमने आज डिसाइड किया, तो आज हम कहीं जा रहे हैं शांति से प्लेस में, जहाँ पर हम हर बार जाते हैं जब हम अकेले होते हैं या कुछ चिल माने जाते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं ना जाके। तो आज मैं दोस्तों का भाई चलो ब्लॉग बनाते करते कुछ आज, बोला ठीक है चलते हैं, तुम भी सही बोल रहे हो, बहुत टाइम हो गया ब्लॉग नहीं डाला, ब्लॉग डालना भी जरूरी है। तो आज हम जा रहे हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या करते हैं, चलते हैं और देखते हैं, लेट्स गो गाइस। गिटार का कवर बहुत ही गंदा हो गया था इसलिए मैं फिर से साफ कर लूँ। और तुम एक चीज दिखा दो, देखो आवाज आ रही है। चलो फाइनली अभी रेडी है, चलते हैं आप अपनी स्पॉट की तरफ। हमारे दोस्त का भी फोन आया था, बोला भाई आओ जल्दी जल्दी, वो पहुंचने वाले में, बोला ठीक है हमारे, तो चलते हैं मिलते हैं वहीं। ओके सो जैसे तुम सब देख सकते हो मैं और आदि निकल चुके हैं घर से और हम जा रहे हैं अपनी स्पॉट की तरफ को जा रहे हैं हम। और यहाँ का रास्ता और व्यू तुम देखो कितना बढ़िया व्यू है, मक्खन मार के मजा आ जाएगा। खतरनाक व्यू है यहाँ का, डेंजर है, डेंजर बहुत ही खतरनाक। सो अब हम जा रहे हैं और मुझे सुमित का फोन था, भाई आ जाओ जल्दी जल्दी हम पहुंचने वाले में। बोला हाँ भाई, हम भी निकल गए घर से, हमने शॉट लेने में ज्यादा देर लगा दी है ना, बाकी तो कुछ नहीं है। ओके सो गाइस, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ऐसे रास्ता होता है। और यहाँ का व्यू भी तुम देख सकते हो कितना बॉम्ब व्यू है, देखो क्या रिवर साइड भी है और ट्रीज है, कितनी हरियाली है, बहुत पीसफुल जगह है गाइस, जहाँ पर हम हर बार आते हैं मैं और दोस्त मेरे, तो चलते हैं और देखते हैं। रास्ता बहुत ही अलग है, मैन वर्सेस वाइल्ड है, पूरी मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है। हाँ मैं, तूने मेरी मुंह की बात छीन ली भाई, मैं भी यही बोल रहा था अभी। सो गाइस मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये वो स्पॉट है जहाँ पे जब हम सब अकेले होते हैं और हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता, माइंड फ्रेश करने के लिए हम सब वहाँ पे जाते हैं। सो आज तो हम ऐसे ही जा रहे थे वहाँ पे बैठने, तो मेरे को आदि और मेरे सब दोस्तों ने बोला कि भाई यार जा ही रहे तो क्यों ना हम व्लॉग ही बना दें। बहुत टाइम हो गया व्लॉग नहीं डाला आपने, मैं बोला हाँ यार बात तो सही है। जैसा कि तुम सब देख सकते हो हमारे तीन दोस्त वहाँ पे बैठे हुए हैं, और भाई क्या हाल है, कब पहुंचे तुम यहाँ, कब पहुंचे? रास्ता थोड़ा खराब है, आज ध्यान से आई। ओके वो एक क्या बजा रहा था, कुछ बनते कॉपी लाइट आ जाएगा यहाँ, यहाँ नहीं आ रही है नहीं ना, नहीं अब देख वहाँ पे चलो फिर आगे चलते सब है ना, क्या लायक है तुम खाने को? हाय वाला व्लॉग में तुम्हारे भाई का व्लॉग शुरू है। चलो सो जैसा कि तुम सब देख सकते हो हम सब दोस्त मिल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी स्पॉट की तरफ को। सो बस डर इस बात का है कि बारिश ना हो जाए, तुम ऊपर देख सकते हो वेदर कितना खराब हो रहा है, बारिश होगी फिर हम तो अम्ब्रेला भी नहीं लाए क्यों, हाँ बस वही दिक्कत हो जाएगी। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ हम लोग कितने दिन बाद मिल रहे हैं भाई, महीने बाद मिल रहे हैं शायद, हाँ महीने बाद मिल रहे हैं शायद है ना, और महीने बाद मिल रहे तब भी भगवान को खुश नहीं हो रहा, बारिश का वादा है, भगवान करना चाहता है, हाँ बस बारिश ना हो जाए क्योंकि हम अम्ब्रेला भी नहीं लाए और यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, मतलब घर वगैरह की क्यों की यहाँ पे घर है पर, लेकिन पर ये अलग घर है यहाँ, हम इससे आगे जा रहे हैं बहुत, क्यों अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारे को द्रांट से काट दिया जाएगा, किससे? द्रांट 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 का रास्ता भी बहुत शांति वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे बर्ड की जो आवाज आ रही है बहुत ही मजा आ रहा है,
ओके सो गाइस हम पहुंच चुके हैं जंगल में, जंगल दिखावा दी इनको, ये है जंगल। और यहाँ पे अभी से अंधेरा दिख रहा है क्योंकि आज क्लाउड्स ऊपर क्लाउडी वेदर है। हम जा कहाँ रहे बैठने? आगे जैसे रिवर साइड में। चलो चलो चलो, और यहाँ पे शेर भी होते हैं। ओके जैसा कि तुम सब देख सकते हो हम सब बैठ चुके हैं और इस पूरे जंगल में हम पांच बंदे अकेले और बहुत ही पीसफुल वाइब आ रही है यहाँ पे। क्यों तो इसको छोड़ो भाई, पहले हम खाते हैं। हाँ पहले हम कुछ खाते हैं फिर तुमसे बात करते हैं। ठीक है, भूख लगी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ओके सो जैसा कि तुम सब देख सकते हो हमारा खाना पीना रेडी है। थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, इन्होंने आज की ये ट्रिप प्लान की है क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि भाई चलते हैं और यही मुझे ट्रीट दे रहे हैं आज। मैंने बोला ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू तुम सभी को। ओके सो गाइस हम खा के फ्री हो चुके हैं और जैसे तुम सब देख सकते हो हम सब दोस्त लोग कर रहे हैं सफाई। सफाई का विशेष ध्यान रखें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। हां एनवायरनमेंट को खराब नहीं होना चाहिए, थपड़ा मारवाना सारा मुंह। बारिश पड़ रही है इसलिए हम गाएंगे पानी धार में। चलो पानी धार रंग देख के, पानी धार रंग देख के, नूर देख के लखादा सूट देख कमली होगी तेरे बिना, जैसे तुम देख सकते हो बारिश लग चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ज्यादा रुकेंगे तो गिटार भी खराब हो जाएगा। चलो चलो, और हालत भी खराब हो जाएगी हमारी। हाँ ये सामान लीजिए, आगे आगे फेंक देंगे। चलो चलो भाग के जाना पड़ेगा। चलो गाइस मेरी टोपी उड़ रही है। सो मुझे गाइस मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूंगा। क्यों? नहीं भाई, क्योंकि बारिश हो रही है और अब घर जाऊं की वीडियो बनाऊं। नहीं so, जाना पड़ेगा भाग के सीधा। ये था आज का ब्लॉग, सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए और शेयर सब कर दे, ठोक दीजिए बढ़िया करके। ठीक है बाय। ओके सो गाइस बारिश बहुत ही तेज हो चुकी है और हम सब जा रहे हैं घर को। और भाई वहाँ पे सो कैसा लगा तुम्हें आज का दिन? बारिश ने काम खराब कर दिया गाइस आज, पर कुछ बोला आज का दिन मेमोरेबल है क्यों?